many students have been able to secure a seat in Delhi University, but बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको Delhi University में कोई भी सीट अभी तक नहीं मिली. उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं हैं, लेकिन आयरॉनिकली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू मेक टू देयर फेवरेट कॉलेजेस. सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग. तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो बच्चे कौन से हैं जिनको अभी तक Delhi University में एडमिशन नहीं मिला इन स्पाइट ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स. तो वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मींस उनके मार्क्स अच्छे थे बट स्टिल दे कुड नॉट गेट एनी कॉलेज इन Delhi University ड्यू टू रिजर्वेशन पॉलिसी. मींस रिजर्व्ड सीट्स अभी तक खाली हैं, बट क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको एडमिशन नहीं मिल पाया. तो नाउ What do such students have to do? तो अब उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को अब एक जगह बैठना है, उनको ये सोचना है to hell with DU. तो if you agree with me, do write in the comment box to hell with DU and just look at other options. अब other options में क्या आ जाते हैं, या तो private universities, और हो सकता है कि private universities बहुत महंगी होती हैं तो आपके budget में ना हो, मोस्टली लोगों के बजट में नहीं होती हैं और फिर उनके प्लेसमेंट्स भी इतने अच्छे नहीं होते. तो अब हमारा सेकेंड ऑप्शन आ जाता है SOL. मींस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने SOL में सीट्स रिजर्व करा रखी हैं, बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने SOL में भी एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे थे, दे वर होपफुल कि Delhi University में उनको एडमिशन रेगुलर कोर्सेज में मिल जाएगा. तो बट अब आ गई बीच में रिजर्वेशन पॉलिसी, तो जिसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाया. तो अब उन बच्चों के लिए एक और ऑप्शन है, वो है इग्नू. इग्नू मीन्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. तो अब आप सोच रहे होंगे कि बट ये तो डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है और हमें तो रेगुलर चाहिए था. तो यहाँ पर आपको अब ये सोचने का टाइम नहीं है क्योंकि आपको रेगुलर में एडमिशन नहीं मिल पाया है, तब भी आप अब डिस्टेंस लर्निंग में जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. इग्नू की भी उतनी ही वैलिडिटी है जितनी की किसी भी रेगुलर कोर्स की है. मीन्स अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से कोई कोर्स किया है तो वो भी उतना ही वैलिड है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपने रेगुलर किया है. उल्टा उसके ज़्यादा ही फायदे हैं आपको कि उसके साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स इन्हांस कर सकते हैं, आप कोई और लाइक वोकेशनल कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से एजुकेशन ले रहे हैं तो. तो अब आपको ये जानना है कि इग्नू में एडमिशन कब कब होता है और कैसे होता है. तो इग्नू में एक्चुअली में दो बार फॉर्म्स फिल होते हैं, एक बार जनवरी सेशन के लिए और एक बार जुलाई सेशन के लिए. तो अब जनवरी सेशन के लिए तो आप लोगों के पास टाइम है नहीं, उसके लिए री रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे ऑलरेडी इग्नू में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए री रजिस्ट्रेशन है. बट अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं, मीन्स आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना चाहते हैं, तो अब आप जुलाई सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. तो अब जुलाई सेशन के लिए रजिस्टर करने के लिए क्या है, मीन्स लास्ट डेट क्या है, तो उसकी लास्ट डेट पहले 15 दिसंबर थी और अब यूनिवर्सिटी ने उसको मींस इंक्रीज करके 31 दिसंबर कर दिया है. तो अभी भी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इग्नू. वहाँ पर आपने अपना फेवर्ड मींस अपना डिज़ायर्ड कोर्स और मींस कॉलेज तो नहीं होता, इग्नू में स्टडी सेंटर्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. तो वो चूज़ करना है, उसके बाद जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब आपने वहाँ पर अपलोड करके आपकी जो फ़ी पेमेंट है वो कर देनी है. तो उसके बाद अब आ जाता है कि इग्नू और SOL को अगर हम कंपेयर करें तो क्या बेटर है. मींस अगर आपने SOL में भी एडमिशन मिस कर दिया तो डोंट वरी, इग्नू इज़ देयर फॉर यू. तो अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि इग्नू और SOL में क्या डिफरेंस है, तो मींस और दोनों में से क्या बेटर है. तो अगर हम SOL की बात करें तो वो आता है Delhi University के अंडर, उसके जितने भी सेंटर्स हैं जो भी कॉलेजेस हैं वो सब DU के अंडर और मींस Delhi में ही हैं. अगर आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं और आप कंट्री के किसी भी कॉर्नर में रहते हैं, इवन आप अगर किसी और कंट्री में भी रहते हैं तो भी आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं. एडमिशन ही नहीं ले सकते, आपके जो स्टडी सेंटर्स मीन्स इग्नू में कॉलेजेस जो होते हैं वो एक्चुअली में स्टडी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आपकी मीन्स साल में कुछ
कुछ दिन के लिए क्लासेस लगती हैं, कुछ वर्कशॉप्स लगती हैं, तो वहाँ आपको उन दिनों में ही सिर्फ जाना होता है, रेगुलर तो जाना ही नहीं होता। तो वो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो भी आप अपने मींस जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास का स्टडी सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा आपके लिए कि आपको दिल्ली ही आना है उसके लिए। तो एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि इग्नू की फ़ी बहुत कम होती है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर प्राइवेट कॉलेजेस और समवेयर। तो अगर आप चाहते हैं कि मींस आपके पैसे भी कम खर्च हो और आपका डिग्री कोर्स भी हो जाए, तो इग्नू इज़ बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो अगर आप इग्नू से कोई कोर्स कर रहे हैं उसकी फ़ी बहुत ही कम होगी, तो उसके साथ साथ जो पैसा आपका बचेगा आप उससे कोई और कोर्स कर सकते हैं, अपना कोई और स्किल इन्हांसमेंट कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा बात आ जाती है स्टडी मटेरियल और असाइनमेंट्स की। तो SOL में आपको कोई भी असाइनमेंट्स नहीं होता, मींस ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता। तो स्टडी मटेरियल आता है, इग्नू में भी आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे आ जाता है, आपको उसमें से ही पढ़ना होता है और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसी में से ही हो जाते हैं। और बात आ जाती है कि इग्नू के एग्ज़ाम्स मींस कितने डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी ये है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते जो स्टडी मटेरियल आपको यूनिवर्सिटी अगर आप नहीं कर पाते हैं टिल एमए आपका रह जाता है, कोई वर्कशॉप रह जाती है, तो आपको आईडेट माय बीएड जाता है फ्रॉम इग्नू। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। क्या था कि सिंपली यू हैव टू जस्ट चेक द अदर ऑप्शंस। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी जा सकते हैं, और वहां पर फिर ये है कि आपको फीस बहुत पे करनी पड़ेगी, वहां के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ आप कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इग्नू विल बी बेस्ट option for all those students who have missed their admission in Delhi University, because Delhi University is not the end of the world। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो Delhi University के students कर पाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे। आप कहीं से भी, अगर आप चाहते हैं degree course करना, तो आप कहीं से भी करेंगे उसको, अपना साल waste नहीं करेंगे, और आप भी उतने ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, हो सकता है औरों से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, क्योंकि अब आप दो चीज़ें कर रहे होंगे। एक तो आप अपना एक डिग्री कोर्स परस्यू कर रहे होंगे, उसके साथ साथ आप अपना एक वोकेशनल कोर्स भी परस्यू करेंगे। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या फाइनल डिसीजन है, डू टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ ऑन इग्नू और एनी अदर यूनिवर्सिटी, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्रिएट देम। सो थैंक यू एवरीबडी, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग किंगडम of learn for the first time, subscribe to it, because we will be there at every step to provide you support and guidance. And if you found the video to be useful, like it also. Thank you everybody.